ये इंडिया जो है गठबंधन जो है महागठबंधन टूट रही नहीं रही है, मजबूत हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार जितने बैठकें हो रही है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। देश की कंपनियों बेचने के पीछे एक और मकसद है भाजपा का कि जो हम लोगों का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षण जो होता है एक तरह से आरक्षण को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो सब लोग जो है आज के समय में भाजपा के विरोध में है और भाजपा के विरोध में पूरे देश में एक लहर चल रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। लगातार सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है ऐसे में ललन सिंह नाखुश है। ललन सिंह को तमाम अनेक पोस्टों से गायब कर दिया गया है और कहीं ना कहीं यह आस लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन टूट जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है, जुड़ेंगे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं, आंसू का दौर जारी है, ऐसे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन टूट जाएगा। जदयू के कई विधायक जो हैं राजद के संपर्क में, कुछ लोग कह रहे हैं कि जदयू के कई लोग और नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, यहाँ जो है ना जब से इंडिया जो है महागठबंधन जो है लगातार उनके द्वारा जो बैठकें हो रहे हैं इस बैठक से बीजेपी के लोगों में बौखलाहट है और मीडिया के माध्यम से ये एक संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं, वो रुई का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ख्याली पुलाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है महागठबंधन से इंडिया से कुछ लोगों की टूट हो रही है। ये इंडिया जो है गठबंधन जो है महागठबंधन टूट रही नहीं रही है, मजबूत हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार जितने बैठकें हो रही है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चूँकि आप इस बात को देख रहे हैं कि जब से 2014 से जो एनडीए का जो सरकार बना तो उस सरकार से केंद्र की सरकार से युवाओं के आशा के एकदम विपरीत काम हुआ। देश की सारी संपत्तियां बेच दी गई, देश को एक तरह से जो है कंपनी देश में कंपनी राज लाना चाहते हैं। किसानों की आय जो बोले थे कि दोगुना होगा, किसान इस देश में हताश है, नौजवान हताश हैं। अब तो कई लोग इस बात को विरोध करते करते युवा जो है विरोध करते करते थक गए कि भाई जो देश में जो है देश की आर्मी को आप जो है इस तरह से जो है आप जो आप बहाली कर रहे हैं अग्निवीर के रूप में, तो हर तरह से जो है देश के युवा जो है परेशान है। आप देख रहे हैं कि देश की कंपनियों बेचने के पीछे एक और मकसद है भाजपा का कि जो हम लोगों का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षण जो होता है एक तरह से आरक्षण को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो सब लोग जो है आज के समय में भाजपा के विरोध में है और भाजपा के विरोध में पूरे देश में एक लहर चल रहा है। और हमारे यहाँ इंडिया का जो है हमारे यहाँ जो है आदरणीय सम्माननीय जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू एकदम मजबूती के साथ जो है हम लोगों के साथ हैं और इसी मजबूती को वो जो है ना वो जो है किसी तरह से रुई के पहाड़ बना करके लोगों में भ्रम डालना चाहते हैं और मीडिया के साथ ये लोगों को कहवाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल है सर, ऑल इज वेल, एकदम हम लोग मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। और जो है मोदी को जो है ना मिट्टी में मिला करके ही हम लोग दम लेंगे, चुनाव में टिकेंगे नहीं, एकदम टिकेंगे नहीं, कहीं भी किसी भी सूरत में टिकेंगे नहीं। चूंकि उन्होंने देश के नौजवानों के साथ धोखा दिया है, देश के किसानों के साथ धोखा दिया है, सभी लोगों को खाता खुलवाने के बाद जो 15-15 लाख रुपया बोले थे कि सभी के खाते में पैसे जाएंगे वहाँ भी धोखा, तो धोखे के बल पर उनकी सरकार जो बनी है
अब लोग यहाँ के नौजवान आगे धोखा नहीं खाएंगे। देखिए अब नौजवान जो है बिहार के हो या फिर देश को हो, वो धोखा नहीं खाएंगे। ऐसे में एनडीए का पूरे देश से सफाया हो जाएगा। सुरेंद्र राम बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री थे, ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि महागठबंधन में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, नीतीश कुमार जहाँ हैं वहीं रहेंगे, ऐसे में कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सिर्फ एनडीए वाले आस और क्या आस लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले 24 के चुनाव में एनडीए का सफाया हो जाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।